तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एटीएम मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि इससे पिछली वीडियो थी, हमने फिटर ट्रेड का सीबीटी एग्जाम जो कि पिछले साल हुआ था 2021 में उसका सोल्यूशन किया था, उसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे और हमारे जो सीबीटी एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन ही आए थे हमारे ट्रेड थ्योरी के लिए फिटर ट्रेड के। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हमारी आईडी लिखी होती है। तो क्वेश्चन है 21 हमारा, विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर उपयुक्त किया जाता है। आपने बताना है कि हमारा जो कंपैरेटर है जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो किस टाइप का करते हैं। ऑप्शन आपके पास है ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल। तो मास प्रोडक्शन में जो उपयोग किया जाता है हमारा कंपैरेटर, वो करते हैं हम न्यूमेटिक। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ होल इज कैप्ट कॉन्स्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरिड। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या होगा। तो हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं, होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो यहां कहा गया है जो आपका होल है यहां पर ये हमारा क्या है, फिक्स है, और जो शाफ्ट का साइज है वो क्या होगा, वेरी होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं शाफ्ट बेसिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर जो होल है उसका साइज तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, वो चेंज नहीं होगा, केवल जो साइज है वो किसका वेरी करेगा, शाफ्ट का वेरी करेगा। तो इसको हम बोलते हैं शाफ्ट बेसिक सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता है, हमारा जो शाफ्ट का साइज है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और जो होल का साइज है वो वेरी होता है, तो उसको हम बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि हमारी होल का साइज कॉन्स्टेंट है, शाफ्ट का वेरी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे शाफ्ट बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो स्क्रू थ्रेड के जो इफेक्टिव डायमीटर यानी कि प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपने सी पे टिक करना है। स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं हम डायमीटर मापने के लिए थ्रेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम अवेलेबल। BIS सिस्टम मतलब क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत खालिस्तान की संख्या क्या है, आपने बताना है जो BIS सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल डेविएशन है वो कितनी ली जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 25। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर ए है 25। तो 20, 15 और 26 ये आंसर में नहीं होंगी। जो हमारी फंडामेंटल डेविएशन है BIS सिस्टम में वो कितनी ली जाती है, 25 ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पोर्ट वाइल्ड स्क्रैपिंग, खरोचते हुए, खरोचता मतलब स्क्रैप करना के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानोगे, आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है पर्शियन ब्लू का उपयोग करोगे, व्हाइट चोक का प्रयोग करोगे, कॉपर सल्फेट का उपयोग करोगे या सेलुलोज लिक्योर का प्रयोग करोगे। तो जो उभरे हुए स्थान है उनको पहचानने के लिए हम प्रयोग करते हैं ए यानी कि पर्शियन ब्लू का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं हम उभरे हुए स्थान को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, विच गेज यूज टू चेक द इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। बागों के अंदर की चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है थ्रेड रिंग गेज, टिपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या कैलिपर गेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग हम करते हैं इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए किसी भी कंपोनेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एज एक्स। ड्रिल बिट में एक्स द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है। ये आपको सामने एक ड्रिल बिट है, ये जो कोण है इस कोण को उसने नाम दिया एक्स, इस कोण को क्या कहते हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है चिजल एंगल, रेक एंगल, पॉइंट एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है, लिप क्लियरेंस एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं यहां से लेकर ये ऐसे, ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन द मशीन टूल।
किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो ये आपको ऑप्शन में कास्ट आयरन के अलग अलग टाइप दी गई हैं, उनमें से आपने बताना है इनमें से कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें वाइब्रेशन को कंपन को कम करने की क्षमता होती है और टूल जो चैटरिंग होती है जो आवाज निकलती है उसको भी कम कर देता है। ऑप्शन आपके पास है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या मेलियबल कास्ट आयरन। तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें क्षमता होती है कंपन को कम करने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स इन द रिमर। रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताओ। ये आपके सामने क्या है, रिमर है। ये टूल होता है जो आपके होल है उनको एनलार्ज करने के लिए, होल को बड़ा करना है या होल की फिनिशिंग करनी है वहां इसका प्रयोग करते हैं रिमर का। तो आपने बताना जो ये एंगल है ये जिसका नाम इसने एक्स दे रखा है ये कौन सा एंगल है। ऑप्शन आपके पास है रेक एंगल, फ्लूट एंगल, हेलिक्स एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। इसको हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतह से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। ये पूछता है कि आपके पास इस प्रकार से चूड़ियां होती हैं, थ्रेड होते हैं, तो आपके जो ये टॉप सरफेस हैं इनको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है रूट, क्रस्ट, फ्लैंक या पिच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। इन सरफेसों को हम क्या बोलते हैं, जो टॉप सरफेस होते हैं क्रस्ट इसको बोलते हैं। क्रस्ट का हिंदी में मीनिंग वैसे चोटी हो सकता है, ऐसे चोटी लेते हैं जैसे पहाड़ की कोई चोटी होती है, तो ये भी थ्रेड में चोटी की तरह ही है। तो इस ऊपरले वाले पार्ट को, इस सरफेस को अगर ज्वाइन करें तो क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द टेलीस्कोपिक गेज। ये टेलीस्कोपिक गेज है, इसमें जो पार्ट है इसका नाम इसने एक्स दे रखा है, इस पार्ट का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है हैंडल, फिक्स्ड लेग, प्लंजर लोक या टेलीस्कोपिक लेग। तो ये जो पार्ट दिया गया है यहाँ पर ये इसका नाम है हमारा प्लंजर लोक। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लंजर लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। आपके सामने डायग्राम में एक टूल दिया गया है, इस टूल का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, राइट आंसर सी है, स्टार व्हील ड्रेसर। तो आप यहां देख भी सकते हो यहां पर ये इस प्रकार से स्टार बना हुआ है, ऐसा कैसी शेप, इसके अंदर यहां पर स्टार की शेप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार व्हील ड्रेसर। नेक्स्ट हमारा 33, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सेंटर लेथ। ये हमारी जो केंद्र खराद है इसमें जो ये पार्ट है इसका नाम दिया गया एक्स, इस पार्ट का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास एप्रन, सेडल, ग्रोस लाइड या कंपाउंड रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा क्या है, ए है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एप्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन द स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के थ्रेड होते हैं, तो आपने बताना जो स्क्रू जैक होता है उसमें हम कौन से थ्रेड उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन आपके पास है वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो जो स्क्रू जैक है उसमें हम यूज करते हैं स्क्रू थ्रेड। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड। नेक्स्ट है 35, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पर गियर। किस प्रकार की पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर के द्वारा संचारित होता है, यानी स्पर गियर का प्रयोग हम किस प्रकार की पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। ऑप्शन आपके पास है पैरेलल ट्रांसमिशन यानी कि समानांतर संचरण, एंगुलर ट्रांसमिशन यानी कि कोणीय संचरण, या इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन यानी कि प्रतिच्छेद संचरण, या परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत संचरण। तो जो स्पर गियर है उसका हम प्रयोग करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन में। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पैरेलल ट्रांसमिशन, हिंदी में कह सकते हैं समानांतर संचरण। तो जो दो पैरेलल शाफ्ट होती है उनके बीच में जो पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है हमारा स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। आपके सामने डायग्राम में एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, आपने इस ऑपरेशन का नाम बताना है कि किस तरह का ऑपरेशन है। ऑप्शन आपके पास है स्क्वेयर शोल्डर, फिल्टेड शोल्डर, बेवल्ड शोल्डर या अंडरकट शोल्डर। तो ये टूल से और हमारे पार्ट से हम पता लगा सकते हैं ये जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, अंडरकट शोल्डर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू रूट। आपके पास ये थ्रेड होते हैं इस प्रकार से, ये आपका क्रस्ट होता है, ये होता है रूट। तो इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसका नाम पूछा है, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है लीड, फ्लैंक,
पिच या डेप्थ। तो क्रस्ट और रूट के बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो कहलाता है हमारा डेप्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन आपने बताना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास है सप्लाई डिफेक्टिव गुड टू द कस्टमर, ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, बिल्कुल भी नहीं। आप डिफेक्टिव गुड्स कैसे सप्लाई कर सकते हो, ये तो आपकी कंपनी का इंपैक्ट ही खराब हो जाएगा। अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ये भी नहीं है। प्रोड्यूस गुड्स विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी नहीं। प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपको टाइम टू टाइम इंक्रीज करनी होगी। लास्ट रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यही क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि रखरखाव की जो लागत है उसको हम कम से कम रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बोल्ट। आपको एक क्वेश्चन में एक बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है बोल्ट विद द क्लियरेंस होल, बॉडी फिट बोल्ट, एंटी फटीक बोल्ट या टी बोल्ट। तो जो बोल्ट है ये किस प्रकार का बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट विद द क्लियरेंस होल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बोल्ट विद क्लियरेंस होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन, स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या होता है, आपने स्प्रिंग पिन का उपयोग बताना है। ऑप्शन आपके पास है इजी असेंबली एंड डिस असेंबली ऑफ द पार्ट, लोकेट असेंबलीज विद द वाइड टॉलरेंस इन द कोरस्पोंडिंग होल्स, रिटेन द पार्ट्स इन द असेंबली, एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ पार्ट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, क्या है बी। तो जो हमारी स्प्रिंग पिन है उनका प्रयोग हम कहां करते हैं, जो असेंबली है उनको लोकेट करने के लिए, यानी कि लोकेट असेंबली विद द वाइड टॉलरेंस इन द कोरस्पोंडिंग होल्स, हिंदी में कह सकते हैं असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों ट्रेड थ्योरी के 20 आज के क्वेश्चन। हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं फिटर ट्रेड के लिए। फिटर ट्रेड का ये पिछले साल का पेपर है, सीबीटी एग्जाम जो हुआ था, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आने हैं। उम्मीद आप लोगों को ये दोनों वीडियो पसंद आई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम यही जो हमारे फिटर ट्रेड में WCS का जो इधर लिख देता हूं मैं, जो WCS का पेपर है और ES का पेपर है उसको भी सोल्व करेंगे। तो वो भी आप जरूर देख लेना, उससे आपको WCS के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ES के यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपने किस ट्रेड के पेपर चाहिए, जिस प्रकार से मैंने अभी क्वेश्चन डाले हैं फिटर के। अगर आपको अपनी ट्रेड का चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और जो साथी इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।